सो हेलो गाइस, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज वीवो ने वीवो V17 इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ वीवो V17 को Redmi Note 8 Pro के साथ। और आपको बताने वाला हूँ आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं पहले डिस्प्ले के साथ। तो वीवो V17 में हमें मिलती है 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और Redmi Note 8 Pro में हमें मिलती है 6.53 इंच की HDR डिस्प्ले। Vivo V17 में हमें सुपर एमोलेड मिलती है और Redmi Note 8 Pro में हमें मिलती है HDR डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में Vivo V17 बहुत अच्छा है। Vivo V17 में हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। Redmi Note 8 Pro में हमें रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ये भी अच्छी बात है Vivo V17 के बारे में। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो Vivo V17 में हमें मिलता है 48+8+2+2 का कॉम्बिनेशन। इसमें हमें क्वाड कैमरा मिलते हैं जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। अब बात करते हैं Redmi Note 8 Pro में कौन सा कैमरा है। इसमें भी हमें क्वाड कैमरा मिलते हैं जिसमें हमें 64+8+2+2 का कॉम्बिनेशन मिलता है जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। तो कैमरे के बारे में Redmi Note 8 Pro बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में। तो Vivo V17 में हमें पंच होल कैमरे के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिलता है और Redmi Note 8 Pro में हमें मिलता है 20 मेगापिक्सल का डॉट नोच के साथ सेल्फी कैमरा। Vivo V17 थोड़ा कूल दिखता है पंच होल कैमरे के साथ। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। Vivo V17 में हमें Snapdragon 675 का प्रोसेसर मिलता है और Redmi Note 8 Pro में हमें मिलता है MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर। मैं दोनों के N22 स्कोर आपको दिखा रहा हूँ और इससे पता चलता है कि Redmi Note 8 Pro बिल्कुल किल कर रहा है Vivo V17 को। तो प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 8 Pro ही विनर है और दोनों ही फोन्स में हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है जिसको हम चार्ज कर पाएंगे 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर से। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जो कि है प्राइस। Vivo V17 हमें एक ही वेरिएंट में दिखता है जो कि है 8+128GB का स्टोरेज वेरिएंट जिसकी प्राइस रखी गई है 22,990 रुपीज। Redmi Note 8 Pro में भी हमें कई वेरिएंट्स मिलते हैं बट इसमें हम कंपेयर करेंगे 8/128GB को ही और 8/128GB वाले वेरिएंट Redmi Note 8 Pro की प्राइस है 17,999 रुपीज। 5,000 का फर्क है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो वैल्यू फॉर मनी फोन है Redmi Note 8 Pro क्योंकि इसमें Helio G90T का प्रोसेसर है और वो प्रोसेसर Snapdragon 675 को बिल्कुल किल कर रहा है। Snapdragon 675 वहां तक पहुंच भी नहीं रहा उसके N22 स्कोर्स में और उसकी प्राइस रखी गई 23,000। तो आपको लेना है Redmi Note 8 Pro अगर आपको पंच होल कैमरा चाहिए ही चाहिए और आप 5,000 देने के लिए रेडी हो तो आप लेना Vivo V17 वरना Redmi Note 8 Pro ही खरीदना क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई सी नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।